नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 5 विषय पर्यावरण आसपास में प्रथम सत्र प्रकरण नंबर 1 यह कौन करेगा की चर्चा करूंगी। तो बच्चों आइए यह प्रकरण हम जो है कहानी के माध्यम से समझते हैं। मीना और चिंटू भाई बहन हैं, वे स्कूल में नियमित पढ़ते हैं। चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। मीना स्कूल में नियमित जाती है और चिंटू अनियमित रहता है। मम्मी मीना और चिंटू दोनों को पढ़ाना चाहती है। दादा दोनों को रोजाना नई कहानी सुनाते हैं। दादी उनको गीत सिखाती है। स्कूल में चिंटू एवं मीना सभी को प्यारे हैं। स्कूल के विद्यार्थियों के साथ चिंटू और मीना की अच्छी दोस्ती है। मम्मी और पापा चिंटू की पढ़ाई की खूब चिंता करते हैं, जैसे कि बच्चों आपके मम्मी पापा करते हैं आपके विषय में। मीना और चिंटू नियमित स्कूल जाए इसका खूब ध्यान रखते हैं। अब बच्चों ये कहानी पढ़ करके आपके मन में कई सवाल उत्पन्न होंगे, जैसे कि चिंटू को स्कूल जाना क्यों नहीं अच्छा लगता। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि चिंटू का जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसके लिए स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अब दूसरा है, चिंटू को स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता। तो चिंटू को जो है स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। अब है प्राथमिक कर्तव्य। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अनेक सुविधाएं लेते हैं, उनकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। हम पानी का उपयोग करते हैं, उसका उचित उपयोग हो यह देखना हमारा कर्तव्य है। वृक्ष गलियां और पर्यावरण का संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। हमें मिलने वाली सुविधाओं का समझदारी पूर्वक उपयोग और उनकी सुरक्षा हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास अनेक सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि रोड की सुविधा, बाग बगीचे की सुविधा, पाठशाला की सुविधा। ये जो है सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं तो इनकी हमें हिफाजत करना चाहिए। जैसे कि हम पानी का उपयोग करते हैं तो पानी का उपयोग हमें उचित प्रमाण में करना चाहिए, यह सब देखना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। अब बच्चों हमें चित्र के आधार पर अवलोकन करने हैं। अवलोकन में कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ खराब आदतें हैं। कुछ आदतों से पर्यावरण को नुकसान होता है और कुछ आदतों से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ दो चित्र बताया है, तो फर्स्ट चित्र में जो पहले नंबर का चित्र है उसमें बच्चा जो है वो शौच कर रहा है, और वो शौच कहाँ कर रहा है तो खुले में कर रहा है। तो ये बच्चों कैसी आदत है, तो ये गंदी आदत है। क्यों गंदी आदत है, क्योंकि इससे क्या होगा, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होगा और आसपास गंदगी फैलेगी। और दूसरे में देखो तो उसमें जो बच्ची है वो शौचालय जा रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है, तो शौचालय में जा रही है। तो ये जो आदत है ये कैसी आदत है बच्चों, तो यह एक अच्छी आदत है। क्यों, क्योंकि शौचालय में जाने से हमारे आसपास और हमारे पर्यावरण में जो गंदगी होती है वो नहीं होगी। उसके बाद बच्चों चित्र नंबर 3 देखते हैं, तो उसमें देखो पानी का निकाल बताया गया है, ठीक है ना। घर है, घर के पीछे से पानी का निकाल बताया गया है, और उसके जस्ट बाजू में जो चौथे नंबर का चित्र है उसमें भी पानी का निकाल बताया गया है। तो इसमें जो तीसरे नंबर का चित्र है बच्चों, तो इसमें पानी का निकाल जो है वो घर के पीछे बताया गया है, जो कि खराब आदत है, गंदी आदत है। जबकि चौथे चित्र में देखिए, तो ध्यान से देखोगे तो पानी का निकाल कहाँ बताया गया है बच्चों, तो गांव के बाहर बताया गया है, जो कि एक अच्छी आदत है। मतलब कि हमें जो है पानी का निकाल गांव के बाहर करना चाहिए। अब उसके बाद पांचवे चित्र में देखिए, तो बच्ची है, बच्ची जो है कचरा देखो यहाँ वहाँ डाल रही है। और छठे चित्र में देखिए, तो बच्ची जो है वो कचरा कहाँ डाल रही है, तो कूड़ेदान में डाल रही है। मतलब यहाँ वहाँ कचरा डालना ये कैसी आदत है, तो गंदी आदत या खराब आदत है। कूड़ेदान में कचरा डालना यह एक अच्छी आदत है।
अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर है, जैसे कि आप कूड़ा कूड़ादान में डालते हैं, तो हाँ हम कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। आप शौचालय का उपयोग करते हैं, हाँ हम शौचालय का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न है, शौच क्रिया के बाद एवं खाने से पहले आप साबुन से हाथ धोते हैं, तो हाँ हम साबुन से हाथ धोते हैं। गंदे पानी का गटर या सोखता गड्ढे में निकाल करते हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ। आपके कितने उत्तर हाँ में हैं? तो हमारे जो है 4 प्रश्न के उत्तर हाँ में हैं। अब उसके बाद तुमको यहाँ पर अन्य किन प्राथमिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसके बारे में हमें यहाँ पर 7-8 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि पहला क्या करना चाहिए, तो हमें हमारे आसपास गंदगी ना हो इसके लिए हमें शौचालय का उपयोग करना चाहिए। फिर दूसरा है, हमें कचरा कचरा पेटी में जाना डालना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे घर की सफाई करनी चाहिए, हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, हमें इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए। इस तरह के हमारे जो प्राथमिक कर्तव्य हैं उसके बारे में हमें इधर लाइन टू लाइन लिखना है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आता है सार्वजनिक संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति किसे कहेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे गांव या मोहल्ले में अनेक वस्तुएं होती हैं, वे हमारी सुविधा के लिए होती हैं। जैसे कि गार्डन, गार्डन में हम बैठने जाते हैं और हमें वहाँ अच्छा लगता है। ये सुविधाएं ऐसी होती हैं कि उनका कोई मालिक नहीं होता, फिर भी वे सभी की होती हैं। ऐसी वस्तुओं का भी सभी लोग संयुक्त उपयोग करते हैं, इन वस्तुओं को हम सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। तो बच्चों, सार्वजनिक संपत्ति की परिभाषा क्या होगी? ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सभी लोग करते हों उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। यहाँ नीचे सार्वजनिक संपत्ति के लिए चित्र दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक संपत्ति अपने गांव में भी होगी, तो बच्चों ये आप चित्र में देख सकते हो। तो चित्र में क्या क्या दिया गया है, मंदिर है, बगीचा है, ठीक है, मस्जिद है, पाठशाला है, तो ये सब जो है ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसका उपयोग गांव के सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर लिखना है कि सार्वजनिक संपत्ति कौन कौन सी है। तो बच्चों, जमीन पर नदी, मंदिर, मस्जिद, फिर पेड़ पौधे, बगीचे, ये सब कैसी संपत्ति है? तो सार्वजनिक संपत्ति है। आपके आसपास की अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ, तो हमारे आसपास अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ कौन कौन सी आएगी? जैसे बगीचे हुए, फिर खेलने कूदने का मैदान हुआ, फिर तरह तरह के पेड़ हुए, रोड हुए, ये सब सार्वजनिक संपत्ति के रूप में इसका उपयोग होता है। अब उसके बाद है हैंड वॉशिंग डे, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, हमें हमेशा हमारे हाथ को जो है दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें हैंड वॉश करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हो ना बच्चों, अभी यहाँ पर कोरोना फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें, यदि हम किसी वस्तु को छूते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी तरह जो है वो 20 सेकेंड तक किसी भी साबुन से आपको हाथ धोना चाहिए। क्यों? इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो बच्चों, ये जो हम हैंड वॉश करते हैं इसके भी स्टेप होते हैं, इस तरह से हमें हैंड वॉश करना चाहिए, जैसा कि हमने चित्र में देखा, यहाँ पर चित्र में दिया गया है, ठीक है। अब हैंड वॉशिंग डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। हाथ की गंदगी से अनेक तरह के रोग होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जैसा यहाँ पर दिया गया है चित्र में, उस तरह से हमें हैंड वॉश 20 सेकेंड तक करना चाहिए। अब उसके बाद है, यहाँ चित्र है जिसका हमें अवलोकन करना है। पहले चित्र में देखो क्या हो रहा है, औरत जो है वो कचरा जो है वो खुले में फेंक रही है, और दूसरे में क्या है, औरत कचरा कूड़ेदान में डाल रही है।
ठीक है। तीसरे चित्र में भी देखो, औरत कचरा गांव के बाहर फेंक रही है। और चौथे में क्या है, चिकित्सक डॉक्टर जो है वो मरीज का इलाज कर रहा है। तो इसके ऊपर से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे कि दोनों चित्रों में कौन सी अच्छी आदत है, तो देखिए तो दोनों चित्रों में कौन सी अच्छी आदत है, तो सबसे पहली जो आदत है कौन सी, कचरा जो है वो कूड़ेदान में डालना, ये एक अच्छी आदत है। दोनों चित्रों में कौन सी बात खराब है, तो कौन सी है इसमें, कचरा यहाँ वहाँ फेंकना, यहाँ वहाँ गंदगी करना, ये बात खराब है। अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हैं, तो हम अपने घर के कचरे का निकाल कहाँ करते हैं, तो बच्चों कूड़ेदान में और गांव या नगर के बाहर, ठीक है ना। मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे के निकाल के लिए क्या व्यवस्था है, तो बच्चों मोहल्ले में इकट्ठे हुए कचरे के निकाल के लिए हमें पता है कि हमारे घर घर डोर टू डोर जो है वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, ठीक है ना। अपने घर के गंदे पानी का निकाल कहाँ करते हैं, तो बच्चों हम अपने घर के गंदे पानी का निकाल जो है वो गटर में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो एक चित्र है, अमित और राहुल दो बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ दिख रहा है चित्र में बच्चों, दोनों देखो अचानक खेलते खेलते जो है राहुल जो है उससे पौधा टूट जाता है, और पौधा टूट जाने के कारण राहुल और अमित मिलकर एक नया पौधा लगाते हैं, ठीक है ना। अब उसके आधार पे तुमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो प्रथम चित्र में आपको क्या दिखाई देता है, तो प्रथम चित्र देखो तो उसमें राहुल और अमित दो व्यक्ति दो बच्चे दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद है अमित क्या करता है, तो इसमें देखिए अमित जो है वो राहुल को धक्का देता है, जैसे कि आप लोग मस्ती करते हैं ना उसी तरह मस्ती में राहुल को धक्का लगता है। राहुल ने पौधे के टूटने के बाद क्या किया, तो राहुल ने पौधा टूटने के बाद उसी जगह पर दूसरा पौधा लगाया, ठीक है ना। वास्तव में राहुल को क्या करना चाहिए, तो बच्चों हम जानते हैं कि पौधा लगाएंगे तो उसकी नियमित हमें देखरेख करनी चाहिए, उसमें नियमित पानी डालना चाहिए, तो राहुल ने वास्तव में ऐसा किया होगा। आप बाग बगीचे की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, तो हम जो है नियमित रूप से पानी देते हैं पौधों को और उसकी देखरेख करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर चित्र है, पहले चित्र में देखो घर दिखाई दे रहा है, दूसरे में बालक नल चलाता हुआ पानी का उपयोग कर रहा है, तीसरे चित्र में क्या हो रहा है बच्चों, तो देखो तीसरे चित्र में औरतें जो हैं वो पानी भर रही हैं और चौथे चित्र में भी पानी भर रही हैं। अब इसके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहले चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो पहले चित्र में देखो बच्चों तो घर दिखाई दे रहा है, नल दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। दूसरे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है, तो दूसरे चित्र में हमें बाल्टी नल और बच्चा और पानी दिखाई देता है, ठीक है ना। दोनों चित्रों में से कौन सी बात आपको उचित लगती है और क्यों, तो बच्चों दोनों चित्रों में हम देखें तो दोनों चित्रों में जो है पानी का निकाल, तो देखो दोनों चित्रों में अगर आप देखोगे तो पानी का निकाल जो है वो दूसरे नंबर, जो पहले नंबर का दूसरा चित्र है तो उसमें देखो बच्चा हैंड पंप से पानी भर रहा है, जो कि एक अच्छी आदत है। क्यों, क्योंकि उसे जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी वो उपयोग में ले रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है आपके आसपास पानी की बचत और बिगाड़ कहाँ होता है उसे लिखिए, तो हमारे आसपास पानी का बचत जो है वो हम जितना उपयोग में हो सके उतना पानी उपयोग में ले, तब हम पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा पानी का बिगाड़ जो है जहाँ तहाँ पानी फेंक का अनावश्यक पानी फेंक कर पानी का जो है बिगाड़ होता है। उसके बाद यहाँ पर वापस चित्र दिया गया है जिसका अवलोकन करना है। पहले में देखो व्यक्ति जो है वो पेड़ काट रहा है, दूसरे में वाहनों के धुएं, तीसरे में जो है दिवाली का जो है पर्व है जिसमें बच्चा
पटाखा फोड़ रहा है, चौथे में जो है वो क्या हो रहा है, बच्ची जो है वो गीत सुन रही है। उसके बाद के चित्र में पांचवे में देखोगे तो उसमें व्यक्ति जो है वो भैंस को नहला रहा है। छठे चित्र में जो है बच्चा जो है वो जोर जोर से गीत सुन रहा है। और उसके बाद सातवें चित्र में देखोगे तो लड़का जो है कूड़ेदान में कचरा फेंक रहा है। आठवें चित्र में जो है कचरा यहाँ वहाँ पड़ा है। और नौवें चित्र में देखो पानी का जो है वो अनावश्यक उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला है, पृष्ठ नौ के चित्र में कौन कौन सी बातें पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं। तो बच्चों, ये पृष्ठ नौ में जो चित्र है इसमें कौन कौन सी बातें पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो बच्चों, इसमें जो है जैसे कि आपने देखा कचरा जो है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, भैंसों को जो है या पशुओं को जो है वो तालाब में नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि तालाब नदियों का पानी जो है इससे दूषित होता है। उसके बाद हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसके बाद हमें ज़ोर ज़ोर से गीत नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, ये सब आदत हमारे कैसे हैं, पर्यावरण को लाभदायक है, ऐसी आदतें हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। उसके बाद पृष्ठ नौ के चित्र में कौन कौन सी बात पर्यावरण को नुकसान करती है। तो जैसे कि बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ वहाँ कचरा फेंकना नहीं चाहिए, भैंसों को तालाब या नदी में नहलाना नहीं चाहिए, और वाहनों से जो धुएँ निकलते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, तो उसके धुएं से हमें बचना चाहिए। उसके बाद हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए। ये सब हमारी कैसी आदतें हैं, तो ख़राब आदतें हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अब इनमें से आप क्या क्या करते हैं, किस लिए उसे नोट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि हम पेड़ों को नहीं काटते, फिर उसके बाद हम कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालते। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं किस में क्या नहीं। जैसे कि क्या करते हैं, तो हम पेड़ को नहीं काटते, क्या करते हैं पेड़ लगाते हैं। उसके बाद क्या नहीं करते, तो हम पेड़ को नहीं काटते, किस लिए, क्योंकि पेड़ जो है वो वर्षा लाने में सहायक है। दूसरा, अगर हम भरे कॉलम तो क्या करते हैं, तो हम कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, क्या नहीं डाल करते, तो हम कचरा कूड़ेदान में नहीं फेंकते, किस लिए, क्योंकि इससे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है। अब उसके बाद है, पर्यावरण की देखभाल के लिए किन अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमें कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, और हमें यहाँ वहाँ जो है वो शौच नहीं करना चाहिए। उसके बाद इधर हमें पानी का योग्य निकाल करना चाहिए, और उसके बाद पानी का हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि हमारे लिए ज़रूरी हो। ठीक है ना, उसके बाद है इधर, यहाँ पर जो है वो पाठ जो है आपका पूरा होता है।